नमस्कार, जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखला में हम आज के सवाल लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का बड़ा सटीक सवाल है भाई अशोक आत्रे जी के साथ। अशोक आत्रे जी के बारे में ज्यादा कुछ कह के मैं समय नहीं गंवाना चाहता। कल मैंने मजाक में कहा था कि आप तो फकीर का कासा हो। वो इसलिए कहा था कि उसमें सब कुछ है जी। अभिव्यक्ति की जितनी दिशाएं हो सकती हैं वो सब अशोक आत्रे के व्यक्तित्व में देखी जा सकती हैं, पहचानी जा सकती हैं और उनको समझा जा सकता है। ये सब एक ही व्यक्ति में मिलता है जिसका नाम है अशोक आत्रे। तो अशोक भाई, मैं आपसे आज के सवाल में नमस्कार जी, ये चाहता हूँ कि अपने प्रबुद्ध श्रोता, अपने अजीज श्रोता इस बात पर आपकी बात सुने और फिर अपने कमेंट्स भी दें कि हमारा सबसे बड़ा संकट है सांस्कृतिक संक्रमण काल को लेकर। ये काल मैं मानता हूँ ये संक्रमण काल है हमारी संस्कृति का। इसमें हम भी हैं, हमारा समाज भी है। तो प्लीज आज आप अपनी बात इसी के आसपास केंद्रित रहते हुए करें तो बहुत अच्छा लगे। बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है और बहुत ही ताज़ा है, जुड़ा हुआ सभी संदर्भों से जुड़ा हुआ है और सहज रूप से ये निकल करके हमारी बातचीत से भी सामने आ गया है। और शायद कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ग्रंथियों में कहीं ना कहीं विद्यमान या मौजूद होगा ही है। संदर्भ में यदि हम अपनी बात करेंगे तो समाज, संस्कृति और व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा संवाद हमारा बन पाएगा जिससे हम अपनी बात साफ कह सकें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जन सरोकार मंच के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार, अशोक भाई और देवेंद्र जी को, सभी मित्रों को नमस्कार। आपके पीछे मुझे एक चित्र या एक मांडना नज़र आ रहा है जो ब्लैक में किसी महिला ने, किसी शिक्षार्थी महिला ने सफ़ेद से रंगों से या किसी तरह से रंगोली से इसको बनाया है मांडने को। और मुझे नज़र आ रहा है कि लाखंती नाम की कोई महिला है, इसने काम किया है। इस चित्र को ही यदि हम देखते हैं, यदि कोई भी, यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति का कोई भी क्षण, प्रकृति की कोई भी अवस्था, प्रकृति का कोई भी दृश्य, प्रकृति की कोई भी रूप जिसे हम देखते हैं वह स्थायी नहीं होता। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, यानी ये अपने आप में एक अपने आप लिविंग एक फोर्स है, प्रकृति का नेचर है। यानी यदि हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति का ही नेचर है, संक्रमण का नेचर है, तो उसको रोकने वाला कौन है? शायद कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हम लोग इतने हठी हैं, इतने अधिक भावुक हैं, इतने अधिक मतलब असंतुष्ट हैं, इतना अधिक हड़बड़ाई में सब कुछ काम करना, हम चाहते हैं कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाए, उसे अपना बना लें, उसे अपना मान लें, उसमें एक रजिस्ट्रेशन, उसमें एक छाप लगा दें कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे संस्कार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे क्षेत्र हो। वी वॉन्ट टू डू कि हम ये दिस इज माई, आई हैव डन इट, दिस इज माई अचीवमेंट, ये टाइम मैंने रोक लिया, मैंने सिद्ध हो गया, मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जो मर्जी है जो करते रहो, मुझे तो अपना जो कुछ करना था मुझे मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। दिस इज बेसिकली ये रॉन्ग स्ट्रेटजी, एक गलत विचार है, गलत सोच है, गलत निर्णय है और ये बड़े परेशानी में डालने वाला, एक संकट में डालने वाला ये निर्णय है, नतीजा है। यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का जो डायनामिज्म है, क्षण प्रतिक्षण प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वही बदलाव हमारे अंदर आ रहा है, वही बदलाव हमारे समाज में आ रहा है। किंतु ये बात सोचनी ही पड़ेगी कि ये जो आज स्थिति पैदा हो गई, वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो गई है, ये कहीं ना कहीं कोई लोचा तो है इसमें, एक देयर समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। यानी हम क्लियर क्लैरिटी और अनक्लैरिटी के बीच में हम जूझ रहे हैं, हम किसी निष्कर्ष पर, किसी नतीजे पर न तो पहुंच पाए हैं, न पहुंचेंगे कभी और न कभी पहुंचे थे।
आज स्थिति हमारी लगभग ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को ठगा जाए, आपको दुनिया भर के वादे किए जाएं, दुनिया भर की बातें आपके सामने रखी जाए, दुनिया भर के प्रस्ताव प्रपोजल रखे जाए और दुनिया भर की आपकी यशोगान किया जाए, कहां से कहां आपको पहुंचा दिया जाए, किंतु जो धरातल है, जो बेस है, जो आपकी भूमि है, वो इतनी खोखली और इतनी यानी लगभग अनसर्टेन है कि वहाँ हमें 10-5 मिनट खड़े होने में भी ऐसा लगेगा कि अब हम गिरे, अब गिरे, अब पड़े। तो जो हमारे जो सारे एंटी फोर्सेज हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण हमारे खिलाफ है, आज गुरुत्वाकर्षण जो है वो सारा हमारे विरुद्ध हो गया, यानी हम ऊपर जाना चाहते हैं जबकि गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे ले जा रहा है, प्रकृति हमें नीचे ले जा रही है। प्रकृति कह रही ठहरो 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 ठहरो, अभी वक्त को आने दो, धीरे धीरे चलो। पर हम तो मीटियोरिक हाइट्स में जा रहे हैं, हम तो स्पेस से आगे चले गए, स्पेस से बियॉन्ड अंतरिक्ष से आगे चले गए, और न केवल हमने यांत्रिक स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर ये सब कुछ किया, खेल किया है, किंतु शरीर के, मन और बुद्धि के लेवल पर भी हम लगभग एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे पर्यावरण में, एक ऐसे अंतरिक्ष में जा चुके हैं जहाँ से लौटना अब मुश्किल लग रहा है, और हम त्रिशंकु वाली स्थिति में आ चुके हैं। तो ये त्रिशंकु समाज जो है, ये त्रिशंकु समाज जो ही संक्रमण का समाज है, न घर के है न घाट के है। अब अशोक जी, मेरे ख्याल में हम लोग एक सही पॉइंट पर आ गए हैं कि त्रिशंकु हो जाना, एक त्रिशंकु को बड़ा लोगों ने यूज किया है कविता में और काव्य में। त्रिशंकु का भाव तो बड़ा विचित्र, और डिवाइन स्पिरिट थी जिस, जो कि स्वर्ग में सीधा जीते जी पहुंचने चाहते थे, और फिर उसके बाद उनका जो अश्रु हुआ, जो हाल हुआ, पता है आपको। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ब्राह्मणिक या जो दैविक या जो वैदिक संस्कृति या समाज बना हुआ है, जो शाश्वत है, जिसको हमने मान लिया है कि ये शाश्वत समाज है, ये मूल्य शाश्वत है, ये बदले नहीं जा सकते। वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था हैज बीन पुट बिफोर अस फॉर इयर्स टुगेदर, लाखों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। हमने कहा भाई ये एक समाज का एक फ्रेम है, एक स्टैटिक फ्रेम है, इस फ्रेम से हम बाहर नहीं जा सकते। किंतु बाहर क्यों गए? हम बाहर इसलिए गए कि उस फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे बेईमान, कुछ लोग पैदा हो गए, कुछ ऐसे लोगों ने घुसपैठ कर ली, कुछ ऐसे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया, कि ऐसे लोगों ने इंडोक्ट्रिनेशन हमारा गलत तरीके से कर दिया कि वो सारा फ्रेमवर्क को ढांचा उन्हीं लोगों ने तोड़ दिया जिन्होंने बनाया था। दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिनका दायित्व था, जिन्होंने बनाया, उन्होंने उसे बिगाड़ा। इसका इसलिए बिगाड़ा कि वो स्थिर नहीं रह पाए, अपनी इहत्ता को, अपनी पहचान को, अपने मूल्य को वो स्थिर नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति, कोई घटना दुर्घटना, कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हुआ, कोई ऐसी आसुरी शक्ति उनके ऊपर हावी हुई कि उनका सारा देवत्व, उनकी सारी गरिमा, उनकी सारी चेतना, उनकी सारी मूल्य तिरोहित हो गए, और वो पुनः मुष्को भव, यानी चूहा वही उस जगह आकर के बैठ गया जहाँ से शुरू हुआ। तो ये पुनर्मुष्को भव वाली जो स्थिति है हमारी, या हमारी त्रिशंकु वाली स्थिति है, या आज हमारी कहीं भी न रहने वाली स्थिति है, या हमारी एलियनेशन की, निर्वासन की जो प्रॉब्लम है, या हमारे अजनबीपन की जो प्रॉब्लम है, जो आज की सबसे बड़ी क्राइसिस है, ये क्राइसिस हमारा सत्य है आज। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे हमें कहीं भी पहुँचने की या ले जाने की सुविधाएं, सुख हों, मान्यताएं हमें कहीं से कहीं ले जा रही है, हमें बड़े बड़े लेवल पर हमारा बड़ा वैल्यूएशन, गुणगान किया जा रहा है, किंतु रियलिटी ये है कि व्यापक स्तर पर, यानी जो ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, पूरा जो योजनाबद्ध जो प्राकृतिक जो दृश्य है, उसमें हमारा एग्जिस्टेंस बहुत मूल्यवान नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ दिस, वी आर पिग्मीज। इस सारे विशाल इस ब्रह्मांड में हमारा रोल बहुत छोटा है। उसके बावजूद यदि हम बढ़ा करके अपने को आंकड़े या आकलन करें तो बुरा नहीं है इसमें, किंतु समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कब तक खड़े रहेंगे, ये खड़े रहने की स्थिति में हम हैं भी कि नहीं, या ये जहाँ हम खड़े हैं वो सही है कि जगह है गलत जगह। तो अब ये स्थिति आ गई भारतवर्ष की, यदि हम बात करें भारतीय जीवन मूल्यों की बात करें, भारतीय राजनीति की बात करें, भारतीय धर्म की बात करें। धर्म की हमने छोटा सा भी इशारा किया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था से हम काफ़ी नीचे आ गए। ये चाहे हमारी मजबूरी हो, चाहे हमारे विकास की एक सही दिशा हो, चाहे जो कुछ भी बदलाव प्रकृति ने इस सब कुछ किया है, किंतु इस सबको समझना बहुत जरूरी है।
इसको हम केवल डॉगमा मान के कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके चलते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप पर आरोप लगाए जाएं और आप उसका जवाब दें और उसके बाद फिर आरोप लगाए जाएं, फिर आप पे जवाब दें, आपको इंस्टीट्यूशनली अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस संस्था, जिस समाज, जिस जाति, जिस व्यवस्था, जिस वर्ग, जिस चेतना से, जिस जीवन मूल्यों से जुड़े हैं, उनको वेरिफिकेशन की जरूरत है। बिना वेरिफिकेशन के आप आगे जाएंगे तो आपके लिए खतरा है, आपका रिकॉग्निशन का खतरा है, आपकी पहचान का खतरा है, आपकी मूल्य मान्यताओं का खतरा है। ऐसी स्थिति में हमें स्पष्ट रूप से बताना, अपना कार्ड स्पष्ट ये करना पड़ेगा, दिस इज हियर, आई एम हियर सर, आई एम हियर, प्लीज वेट। तो ये जो है इंतजार, और अभी इंतजार भी जरूरी है, क्रियाशीलता भी जरूरी है, कार्यक्रमों के साथ जुड़ना भी जरूरी है, भविष्य की चेतना, भविष्य का खाका भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, रचनात्मक स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए। वरना वही स्थिति होगी कि हम बहुत तैयारियां करके, दुनिया भर की घोषणाएं करके, दुनिया भर की बात करके बहुत ऊँचे चले जाएंगे, किंतु बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आगे आप नहीं जा सकते। देयर इज अ वे, यू कांट गो अहेड दैट एंड देन यू विल कम बैक, और त्रिशंकु बन के आप लटक गए, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंचे। तो हमारे यहाँ जो स्वर्ग की कल्पना की गई है, ये कल्पना मानवता या मानवीय मूल्यों से इतर है, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे देव देवता हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी देवी देवता, तो ये सारी जो कल्पना है, कल्पनातीत भावातीत है। और वैदिक कल्चर ने, वैदिक संस्कृति ने आपको सुविधा दी है कि ये सारी भौतिक व्यवस्था, जहाँ सारी भौतिक व्यवस्था समाप्त हो जाती है, चिंता मत करो, उसके बाद भी जगह है आपके लिए, घबराइए मत, देयर इज स्पेस फॉर यू, हमने आपके लिए स्पेस छोड़ी है। और वो स्पेस इतनी बड़ी स्पेस है, वो ब्लैक होल नहीं है, वो इतना बड़ा ब्रह्म दर्शन है, वो ब्लैक होल नहीं है सर। यदि हम इसे ब्लैक होल मान रहे हैं तो एक दूसरी गलती कर, मैं सभी उन बुद्धिजीवियों से, अपने दोस्तों से जो मेटेरियलिज्म को अपना धर्म मानते हैं, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यवस्था, किसी भी तरह की व्यवस्था, कहीं भी किसी भी तरह से आपको किसी ब्लैक होल पर नहीं ले जाती। यदि आपकी चेतना स्वस्थ है, आपके मूल्य स्थिर हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, तो आपका सारा जो रास्ते हैं, आपके सारे प्रयास जो हैं, वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि स्टिल देयर इज अ वे कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, anxieties and situations, and that creativity is with us. If we are creative, we will come out of that problem. Creativity hi hamari raksha karti hai, aur creativity matlab ka arth hai ki har cheez jisme sakaratmakta hai wahi creativity, us nakaratmakta ko hame nakarna hoga. Aaj charcha karni chahiye, yadi G20 ki baat hum kar rahe hain to kyon nahi kare, kisne mana kiya hai ki hum G20 ki baat nahi kar sakte, भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोई वैल्यू नहीं है, भारत कोई देश नहीं है क्या, क्या हमारे प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है क्या, क्या विज्ञान की, क्या समाज की, क्या राजनीति की, भारतवर्ष की, संस्कृति की, समाज की क्या कोई भूमिका नहीं है क्या। यूनेस्को की डीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इंडिया का जो आज का जो विकास है, मैं ये नहीं कह रहा 10-20-50 साल में विकास हुआ, कि एक टोटल, एक जिस जगह हम आगे खड़े हो गए किसी वजह से, उस विकास ने बहुत सकारात्मक तरीके से दुनिया के सामने अपना चित्र प्रस्तुत किया है। और उसमें जो यूनेस्को की जो डीजी है, उन्होंने इस बात को माना है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए, एक मौलिक रूप से नैतिक नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़े नेतृत्व के एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और हमने इसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज ग्लोबल लेवल पर और G20 जैसे समूह में, जो कि पूर्ण रूप से आर्थिक समुदाय है, यूरोपियन समुदायों का 19 देशों का एक समुदाय है, जो मूल रूप से आर्थिक या वैज्ञानिक उपलब्धि और इन पर कॉमर्शियल बैंकिंग के अलावा, इधर उधर पैसा देने लेने के अलावा कोई बात नहीं करता, वहाँ अब हम जीवन मूल्यों की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें भी एक एडेड रियलिटी है। तो ये एक बड़ी बात है, ये चुनौती है कि हमने मानवीय मूल्यों को भी एक बड़ी वैल्यू माना है, और वैल्यू मानना जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम की यदि हम बात करते हैं, तो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करते, पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण की चेतना की बात करते हैं,
तो पर्यावरण इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी है कि जहां विश्व के 2/3 देश आज इस G20 से जुड़े हुए हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि इस G20 के आधार पर आगे आने वाले समाज में, क्योंकि वो सभी देश जो उन्नत देश है, विकासशील है, विकसित है, चाइना भी है, जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, दूसरे कंट्रीज भी हैं, तो ऐसे जब 20 कंट्रीज का एक एसिमुलेशन है, उसमें रूपरेखा है, तो हमें एक भूमिका, सकारात्मक भूमिका, क्योंकि भारतवर्ष आज अध्यक्ष है इस G20 का, लकीली पिछले साल इंडोनेशिया था, आगे कौन सा देश होगा जो भी, तो वी आर इन ए पोजिशन, वी आर इन ए ट्रांजिशन पोजिशन। फिर संक्रमण की बात इसलिए आ रहे हैं कि भारतवर्ष की एक ट्रांजिशनल भूमिका है, हम जहाँ खड़े हैं उसके पहले जो राष्ट्र था उसकी परंपरा को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं हम अपनी वैल्यू के साथ खड़े हैं, हम जहाँ जाने वाले हैं वो एक नया एक वैल्यूस्टिक जजमेंट है। ये सारी जो तीनों परिस्थितियाँ हैं, हम कौन थे, क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अभी, तो ये जो ट्रांजिशन है ये हमारी नियति है, ये हमारा सत्य है, ये हमारे यथार्थ है, और ग्लोबल लेवल पर हमने इस ट्रांजिशन में हम इस जगह आ गए हैं या लाए गए हैं कि हमें अब केवल लोकल लेवल पर नहीं चलना है। मैं कोई नारेबाजी की बात नहीं कर रहा, किंतु मैं ये मान रहा हूँ कि हमें व्यापक लेवल पर, बड़े मूल्यों पर, बड़े जीवन मूल्यों पर, बड़े धरोहर को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अशोक भाई जी, एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत सारे चिंतक विचारक बुद्धिजीवी जी इन सारी स्थितियों को संक्रमण काल कह के तुष्टिकरण कर लेते हैं विचारिक स्थिति जी, तो ये जो संक्रमण काल है इसकी एथिकल वैल्यूज को सही परिप्रेक्ष्य में समझना भी तो जरूरी है जी। देखिए ये मैं चाहता हूँ अशोक भाई, बहुत सीधी सी बात यह है, हमारा जो मौसम विज्ञान है उसमें एक संक्रांति पर्व आता है, और ये संक्रांति पर्व जब हम पतंग उड़ाते हैं तो सीधा सूर्य से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, यानी हमारी जो रंग बिरंगी जो चेतना आस्था है उसको हम बहुत मौज मस्ती से उसको अपने धागे और बना करके, एंड वी कनेक्ट डायरेक्टली विद द सन। संक्रांति काल का मतलब है कि उस पूरे महीने भर हमारा जो मौसम बदल रहा है, जो प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेतना में बदलाव आ रहे हैं, जो ग्रहों में नक्षत्रों में बदलाव आ रहे हैं, जो हमारी नई भूमिका बन रही है, उसकी अगली तैयारी हमारी है। संक्रमण काल एक हमारी तैयारी है, तैयार होने का, यानी जो पास्ट था उसको हम छोड़ रहे हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं, तो ये वो स्थिति है जहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और फ्यूचर सर्टेन होना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं एक तरह का आजकल ये नारा चल रहा है सस्टेनेबिलिटी का, बड़ा प्रचार हो रहा है दुनिया भर में, सस्टेनेबल, ये क्या सस्टेनेबल है तो भगवान बताएगा क्या सस्टेनेबल, बट अल्टीमेटली ये स्थायित्व का बोध है कहीं, यदि नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, ये रिजर्वेशन यदि है कहीं किसी तरह से तो वी हैव टू फंड इट, सस्टेनेबिलिटी है। तो ये आप जिसकी चिंता कर रहे हैं कि समाज में ये स्थिति बन चुकी है, सभी लोग ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और मजबूरी, जो ये मजबूरी नहीं है, ये रियलिटी है, और दोस्त से मैं दावा करता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ आप हर क्षण को एंजॉय करिए सर, हर क्षण आपका है, प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण आपको कुछ भी नहीं खोना है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था यू हैव टू लूज नथिंग बट चेंज, मजदूरों से कहा था, प्रोलेटेरियट के लिए कहा था कि आपको कुछ भी खोना नहीं है सिवाय चेंज के। तो मित्र जनसरोकार से जुड़े सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमें कुछ भी नहीं खोना है, केवल अपनी हथकड़ियों के, जो हमने अपनी हथकड़ियाँ अपने हाथ को हाथ से बांध रखी है, दूसरा कोई नहीं पहना रहा है हमें हथकड़ियाँ, हमने अपने हाथ से अपने हथकड़ी डाल रखी है, तो दोस्तों इस हथकड़ियों से हम मुक्त हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं, अब बार बार कहें वी आर वन, वी आर फॉर द सोसाइटी, वी आर फॉर द पीपल, वी आर हियर टू गिव अवर बेस्ट टू सोसाइटी, और पूरी तैयारी से, पूरी आस्था से, पूरी आत्मशक्ति से हम अपनी बात इस चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ, दावेदारी के साथ कहना चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है यदि हम सही हैं।
We pray the best for you, for all of us. Let's do the best, and the best will come. So my best wishes to you, all of you. Jan Sarokar Manch ki jai ho. Sabhi mitron ko pranam, mera namaskar. Aur phir milenge aapse. Isi tarah milte rahenge.